बारह पछली आरा सदर प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन जन प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आरा सदर प्रखंड कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधान पार्षद लालदास राय ने कहा कि प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह से मैं बहुत खुश हूं। सभी जन प्रतिनिधि एकता के साथ कार्य करें और एक मिसाल कायम करें। जगदीशपुर विधायक राम विशुन सिंह लोहिया ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा महिला आरक्षण का ही देन है कि जय कुमारी देवी प्रखंड प्रमुख बनी है, इन्हें बिना भेदभाव के साथ कार्य करें, हम सभी जन प्रतिनिधि इनका साथ देंगे। आरा सदर के पूर्व विधायक डॉक्टर नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने कहा कि भोजपुर जिला का सोने को चिड़िया कहा जाता है, आरा सदर प्रखंड है, लेकिन कुछ लोग कई दिनों से इसे खोखला कर दिया है, लेकिन आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अब ऐसा नहीं होगा। बहन जय कुमारी देवी अच्छी तरह प्रखंड चलाएं, हम सभी का सहयोग रहेगा। पूर्व विधायक संदेश सह जदयू नेता विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई आरक्षण का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, सभी लोग अपने अधिकारों को जान चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब वैसे लोगों को चलने वाला नहीं है कि प्रमुख कोई और कुर्सी पर बैठेगा। दूसरा, प्रमुख महोदया अपने कार्यालय से वीडियो सीओ एवं अन्य पदाधिकारियों को अपने कार्यालय बुलाकर सलाह और निर्देश दें। डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ हैं और जिला प्रशासन भी आपको साथ देगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जय कुमारी देवी मन संचालन सनदिया मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव और प्रमुख भागीरथ यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन के दरमियान लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने कहा, सरकार तो आरक्षण दे दी है, लेकिन प्रतिनिधियों को सही रूप से संचालन करने के लिए सुरक्षा भी जरूरी है, अन्यथा कभी दलित प्रतिनिधियों के साथ अप्रिय घटना भी हो सकती है, जिला प्रशासन भी सचेत रहे। अंत में इजरी पंचायत के प्रतिनिधि हरेंद्र दीवाना के पिता के देहांत पर एक मिनट का मौन रखकर सभा की कार्यवाही समाप्त की गई। मंच पर उपस्थित नव निर्वाचित आरा प्रखंड की प्रखंड अध्यक्षा उप प्रमुख भागीरथ जी और भाई अलादा चरण सेठ जी जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि है, दो जिला के मेंबर है, उनको हम बोलेंगे कि जितना लोग प्रमुख बना है जो जिसके प्रोटोकॉल के अनुसार आता है उनको ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। वीडियो लोग सीओ लोग इनके कार्यालय में इनके चैम्बर में जाए, जो भी पूछना है पूछे, जो भी कहना है ये ऑर्डर देंगी और उसको करना है। इसलिए साथियों बहुत सारे बात है जनप्रतिनिधि, हमको भी दो जगह अभी प्रोग्राम में जाना है। इतना ही कह करके बहन जय कुमारी जी को, भाई भागीरथ यादव जी, भाई हरेंद्र जी और कई साथी धमार के भाई मुखिया जी आए हैं, भाई सुरेंद्र यादव जी जो हम लोग के बीच में आज नहीं है, उनके भतीजे हैं, आप दीजिए और सम्मान लीजिए। और दूसरों को लोग चाहता है कि हम सम्मान नहीं दें और हमको सम्मान मिले, ये होने वाला नहीं है। लोग सरपंच साहब लोग, वार्ड कमिश्नर भाई लोग, कई पूर्व मुखिया जिला परिषद भी जुटे हैं और सभी महागठबंधन के करीब करीब लोग जुटे हैं। कम शब्दों में दो मिनट के लिए मैं ज्योति जी से आग्रह करूंगा कि वो कम से कम दो शब्द भी बोल दे, क्योंकि हम लोग का राय होगा कि इनसे ही कुछ बोलवा दे।
प्रमुख है, दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों का आज कार्यालय का उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस मंच धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। साथियों, इस मंच पे हमारे राजीवन हम सभी के चाचा लालदास राय जी जब स्कूल से चल के आए हुए हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया गया, कैसा लग रहा, क्या कहना चाहिएगा? अच्छा लग रहा है। कौन कौन लोग आए हैं आज कार्यालय के उद्घाटन में? सभी लोग आए हैं। जोर से बोलिए। सभी लोग आए हैं। किस तरीके से कार्यालय का काम होगा? ढंग से काम होगा ना? ढंग से काम कराइए। नाम बता दीजिए अपना। जय कुमारी देवी। क्या है आप? प्रमुख। आप बताया जाए भगत जी, आज आपके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, कई गणमान्य लोग मेरे साथ पूर्व विधायक वर्तमान विधायक सब लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? आज इस उद्घाटन समारोह में जितने बड़े बड़े नेता लोग आए हैं सबको हम नमस्कार करेंगे और आशा करेंगे कि जो इस ब्लॉक में पहले हुआ है आज से नहीं होगा, सबका साथ रहेगा, सबका विकास होगा। हम लोग आज के डेट से एक नए सरकार की घोषणा करते हैं, हमारी माता समान है प्रमुख साहिबा, और हम चाहेंगे अपने माँ बेटे को मिलकर एक नया क्या बोलते हैं इतिहास रचने का काम करना चाहते हैं। विधायक जी, आज जो प्रमुख का कार्यालय है इसको उद्घाटन किया गया, आप लोग इसके गवाह बने, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे कि गरीबों का समाज से जो अध्यक्षा बनी है उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं और सब लोगों को साथ लेके काम करने का हम लोगों ने इनसे अपील किया कि हर समाज के हर लोगों को, हर प्रतिनिधि को, जितने त्रिस्तरीय पंचायत के स्थित हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबको लेके चलेंगे ताकि सबका विकास हो, हर जनता के स्थिति तक विकास पहुंच जाए और यहाँ का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनको भी ये भागीरथी देवी जी को सहयोग करना चाहिए विकास के लिए। यही हम लोग कह के अपने आज इन लोग को इसी पर हम लोगों ने आया है और धन्यवाद देते हैं उपाध्यक्ष और अध्यक्षा को। पंचायत का यह ब्लॉक है और इस ब्लॉक के राजमती जी प्रमुख बनी है, जय कुमारी जी, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद और नीतीश जी से मिल करके जो नियम बना है उसके तहत बनी है। अब इनका गार्जियन का काम है कि 19 पंचायत त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को लेके सब ढंग से चले और विकास का काम करें। यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन हुआ, यहाँ पर बहुत सी बातें चली कि कार्यालय में कई जगह कार्य सही से नहीं होता, उस सब कार्यों को पूरा कराने के लिए भी अब एक नया सिरे से होगा, बताया जाए। कार्यालय का उद्घाटन और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम आज यही आशा और यही उम्मीद के साथ आए हैं कि जो आरा प्रखंड का विकास कहीं अवरुद्ध हो रहा था, कहीं कहीं जो मील का पत्थर साबित होगा और प्रमुख और उप प्रमुख के और तमाम त्रिस्तरीय पंचायत के तमाम सदस्यों के द्वारा एक अच्छे ढंग से जनता के हित में जनता के सवालों को अच्छे ढंग से निपटारा करने में अहम भूमिका निभाने का काम इन लोग करेंगे। Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है ये चाय नहीं
एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से बंगाल गोल्ड चाय।